है जी, आप सोच रहे होंगे कि ये जनाब फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं, तो चलिए इनकी कहानी आपको सुनाते हैं। तो जनाब, इन भाई साहब का नाम है अमरचंद और ये रहने वाले जयपुर। चलिए, इतना इंट्रोडक्शन खूब है, अब आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। हेलो हेलो भैया, फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ, बोलो मत। अरे यार भैया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। क्या हुआ? अरे यार, जो मैं कोचिंग जाता हूँ, एंड कोचिंग में यार मेरा मोबाइल पूरा लेग हो रहा था, एंड जो कोचिंग का ऐप था वो भी नहीं चल रहा था। तो यार मैंने अपना मोबाइल रिसेट कर दिया, उसी के अंदर पूरी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड था। अब मुझे याद भी नहीं है यार ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्या था। अब मैंने जब मतलब रूम पे आके लॉगिन किया तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यार मतलब लॉगिन ही नहीं होता, याद ही नहीं है, तो कहाँ से हुआ लॉगिन? ईमेल आईडी भी नहीं याद? हाँ ईमेल आईडी भी नहीं याद यार। कितनी बार बोला तेरे को ये सब डायरी में लिख के रखना चाहिए? समझा है तेरे को कितनी बार कि ईमेल आईडी और पासवर्ड तो लिख के रखना चाहिए तेरे को? लगभग एक घंटे बाद भैया का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ओटीपी भेज। मेरे को कुछ समझ नहीं आता भैया किस चीज़ का ओटीपी मांग रहे हैं, तो मैं उनको ओटीपी बता देता हूँ। फिर से भैया का कुछ सेकंड बाद में मैसेज आता है ओटीपी पे। ऐसे कम से कम ये प्रोसेस 4 से 5 बार होती है, मैं भैया को ओटीपी बताया जाता, बट मेरे को अभी तक कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि भैया किस चीज़ को ओटीपी मांग रहे हैं। जब तक मेरे को कुछ समझ में आता तब तक भैया का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तेरा चैनल आ गया। मैं मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था, मेरा चैनल आ गया भाई। मतलब फिर वो अपने ना पीसी के अंदर जो मेरा चैनल लॉगिन कर रखे थे उसकी इमेज व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, तब मेरे को विश्वास होता है भाई सच में मेरा चैनल आ गया। भाई इतना खुश होता ना भाई, क्या ही बताऊँ। एंड फिर मैं भैया को, भैया मेरे को बोलते हैं चल 1000 रुपया निकाल। मैं क्या बोलता हूँ भैया 1000 रुपया? मैंने बोला भैया को 1000 रुपया गया, 1 लाख रुपये दे दूँगा जब मेरे से यूट्यूब से इनकम आने लगेगी। तो भैया फिर मेरे को ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देते हैं, एंड मैं फिर से अपने YT स्टूडियो में जाके लॉगिन करता हूँ। एंड YT स्टूडियो में अपने चैनल को देख के इतना खुश होता हूँ ना भाई, क्या ही बताऊँ। वो फीलिंग मैं ही समझ सकता हूँ भाई, इतना ज़्यादा खुश होता हूँ। एंड उसी वक्त में भाई ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नोटबुक के अंदर राइट कर लेता हूँ भाई। अब से मतलब अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को अपने से दूर नहीं होने दूंगा यार, सच्ची बता रहा हूँ। जी इन 2 से 3 दिनों के बीच में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सारी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे दे रहा था। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने यूट्यूबर्स वगैरह को स्टोरी में मेंशन किया था हेल्प के लिए, बट किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। एंड मनोज भैया ने भी मेरी स्टोरी को सीन किया था, बट पता नहीं वो रिप्लाई नहीं दे पाए, पता नहीं कुछ भी कारण होगा। बट इसी बीच मेरे भैया ने मेरे को सपोर्ट किया। एंड भाई जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो सब कुछ मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट दे देता हूँ, तो जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। एंड भाई आज का व्लॉग पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ठीक है।